स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत गौरव ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। प्राइवेट ट्रेन ऐसी दिखती है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे देश की प्राइवेट ट्रेन कैसे दिखती है, साथ में जानेंगे कि टिकट से लेकर रूट और क्या क्या मिलती है इसमें सुविधा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम सभी ने कई बार ट्रेन में सफ़र किया होगा। एक राज्य या शहर से दूसरे राज्य या शहर में जाने के लिए कई माध्यम हैं, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। इसी मज़ा को दोगुना करने के लिए भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लोग बेहद ही पसंद कर रहे हैं। सिर्फ बाहर से देखने पर ही इस ट्रेन की हर कोई तारीफ कर रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या खास है इस ट्रेन में और इसके अलावा टिकट और कुछ खास बातें जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खुशी के मौके दक्षिण भारतीय नृत्य भी देखने को मिला और साथ में ढोल नगाड़े भी। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन दक्षिण भारत में किया गया है। ये ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत शुरू की गई है। भारत गौरव योजना के तहत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, जिसे लगभग 2 साल के लिए लीज पर लिया गया है। कहा जा रहा है कि ये खास ट्रेन महीने के 3 बार संचालित होगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे भी संचालित होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर ही लेते हैं कि ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास ट्रेन को कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है, जो महाराष्ट्र के पवित्र शहर शिरडी तक चलेगी। कोयम्बटूर से चलने के बाद ये ट्रेन तिरुपुर, इरोड, सेलम, जोरापेट, बेंगलुरु, येलहल्का, धर्मवाड़ा, मंत्रालय रोड और वाड़ी से होते हुए शिरडी तक का सफ़र तय करेगी। इस ट्रेन में आपकी पारंपरिक शाकाहारी भोजन भी सर्व किया जाएगा। इस ट्रेन में लगभग 20 कोच होंगे। दोस्तों अब हम आपको ट्रेन के कोच और सुविधा के बारे में बताने वाले हैं। एक खबर के अनुसार इस प्राइवेट ट्रेन में वो सभी सुविधा है जो एक सामान्य ट्रेन में होती है। कहा जा रहा है कि इस ट्रेन में लगभग 20 कोच है। इस 20 कोच में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के एसी कोच के साथ साथ स्लीपर कोच भी शामिल है। एक अन्य खबर के अनुसार इस बेहतरीन ट्रेन में लगभग 1500 यात्री एक साथ सफ़र कर सकते हैं। यात्री की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस बल भी इस ट्रेन से सवार होगी। दोस्तों अब हम आपको ट्रेन खुलने का समय और टिकट के बारे में बताने वाले हैं। अब तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि ये ट्रेन कोयम्बटूर से रवाना होगी। ये ट्रेन कोयम्बटूर से लगभग 6 बजे शाम को रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 7:25 के आसपास शिरडी के साईं नगर पहुँचेगी। खबर के मुताबिक स्लीपर क्लास का टिकट लगभग 1280 रुपये, थर्ड एसी का 2360 रुपये, सेकेंड एसी का 4820 रुपये और फर्स्ट एसी का लगभग 8190 रुपये का होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल गाइज़।